हेलो बच्चों आज हम क्लास टेंथ की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन फोर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ेंगे और इसकी ऑथर भी एन फ्रैंक है और फिर हम स्टार्ट करते हैं कि पहले एन फ्रैंक के बारे में सी बिफोर यू रीड एनलीज मारी एन फ्रैंक 12 जून नाइनटीन ट्वेंटी नाइन टू मार्च नाइनटीन वाज़ फाइव वॉज अ जर्मन बॉर्ड जुइश गर्ल

फॉलोवर थी हु इनहर वाइल्ड इन हर इन हाइडिंग विद अर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम और जो हम एक्सट्रैक्ट जो पढ़ने जा रहे हैं जो इन्होंने तब लिखा था जब ये अपनी फैमिली और अपने चार दोस्तों के संग एम्स्टरडैम एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स की कैपिटल को कहते हैं राजधानी को कहते हैं वहाँ पर छुपी हुई थी और वो इसलिए छुपी हुई थी क्योंकि जर्मनी पर Uh, जो है नाजीज़ ने कब्ज़ा कर लिया था वर्ल्ड वॉर टू के समय हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाज़ीज़ गेंड पावर इन जर्मनी बट वट ट्रैप्ड वन द नाज़ी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन टू द नीदरलैंड और हर फैमिली हैड मूव टू एम्सटरडम तो और उनकी फैमिली जो थी वो जर्मनी से एम्स्टरडेम मूव कर गई थी या नीदरलैंड चली गई थी और लेकिन बाद में जब नाजीज़ ने जर्मनी के बाद आ, आ, अपना एक्सटेंड करके नीदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया तो ये वहाँ पर ट्रैप हो गई थी बट वो ट्रैप्ड फंस गए थे उसमें ये लोग ये फैमिली इनके एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जुइश पॉपुलेशन इंक्रीज परसिक्यूशन होता है अत्याचार और इन नाजीज़ द्वारा जुइश पॉपुलेशन पे यहूदियों पर बहुत अत्याचार बढ़ता जा रहा था द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन जुलाई नाइनटीन इन हिडन रूम्स इन अ फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग और तो पहले तो ये लोग जर्मनी से भाग के नीदरलैंड्स गए और नीदरलैंड्स पे भी जब नाजीज का कब्जा हो गया तो इनके पापा के ऑफिस की जो बिल्डिंग थी उसमें वहाँ पे जुलाई 1942 में इन लोगों को जाना पड़ा छुपने के लिए आफ्टर टू ईयर्स इन हाइडिंग और दो साल तक ये लोग छुपते रहे द ग्रुप वॉज बिट्रीड And transported ट्रांसपोर्टेड the concentration camp system सिस्टम वेयर एन डाइट ऑफ थर्जिन बेल्स एंड विद इन डेज ऑफ sister Margot फ्रैंक और बिट्रेड होता है कि जब इनके बारे इन लोगों के बारे में पता चल गया प्रकट हो गए कि ये लोग यहाँ छुपे हुए हैं तो इन लोगों को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था भेज दिया गया था एक कॉन्सन्ट्रेशन कैम्प में जहाँ पर एनी की टाइपस नामक बीमारी से डेथ हो गई थी और वो उस समय अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक के संग थी हा फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्सडैम आफ्टर द वॉर एंडेड और जब लड़ाई ख़त्म हुई तब उनके पिताजी ऑटो जो कि फाइनली फैमिली के लास्ट सर्वाइवर थे यानी पूरी फैमिली में बस वही बचे थे वो जब एम्सडैम लौटे टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बिन सेव और, और उन्होंने देखा कि उनकी उनकी डायरी जो वो लिखती थी वो सेव है कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड और वो इस बात से कन्विंस्ड थे पूरी तरह पूरी तरह सहमत थे कि एक बहुत यूनिक रिकॉर्ड है जो कुछ भी एन फ्रैंक ने लिखा है उसमें ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ़ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल तो इन्होंने तुरंत एक एक्शन लिया उनके फादर ने और इसको द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित करवाया पब्लिश करा दिया था द डायरी वॉज गिविन टू एन फ्रैंक फॉर हर थर्टीन बर्थडे एंड chronicles ऑफ the इवेंट्स ऑफ her लाइफ from ट्वेल्थ जून 1942 until its final entry इट्स फाइनल इंट्री ऑफ फर्स्ट ऑगस्ट नाइनटीन तो ये डायरी जिसमें वो अपने बारे में सब लिखती थी वो क्रॉनिकल्स होता है कि जितना पूरा अपना इतिहास पूरा डिस्क्रिप्शन जो लिखती थी अपने लाइफ का इवे, इवेंट्स ऑफ आर लाइफ जो उनकी लाइफ में जो खास खास बातें थीं वो सब लिखती थी वो थर्टीनथ बर्थडे पर जब वो तेरह साल की हुई थी जिस दिन उनकी थर्टीन बर्थडे उनको मिली थी और और इस डायरी पे जो फर्स्ट एंट्री है यानी कि पहली बार जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो डेट है 12 जून उन्नीस और जब उन्होंने आखिरी बार उस पर लिखा है जो उस पर डेट मेंशन है वो 1 अगस्त 1944 की है ठीक है यानी 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक वो इस डायरी पे लिखती रही थी इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इन टू मेनी लैंग्वेज एंड बिकेम वन ऑफ़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स और इस किताब को जो ट्रांसलेट किया गया है वो बेसिकली ओरिजिनली उन्होंने डच लैंग्वेज में लिखा था इस किताब को लेकिन बाद में इस किताब को बहुत सारी मेनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म टेलीविजन एंड थिए थ्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एंड ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी सी फर्स्ट ओपेरा होता है जो नाटक संगीत की लय पर किया जाता है यानी कि इसमें डायलॉग जो हैं गा गा के बोले जाते हैं है ना वैसे एक ओपरैक् म्यूजिक भी होता है लेकिन यहाँ पर है कि जो संगीत की लय में एक नाटक किए जाते हैं तो उनकी इस किताब पे जो कुछ भी लिखा उस पर सेवरल फिल्म्स बनी हैं बहुत सारी फिल्म बनी हैं टेलीविज़न थिएटर के प्रोडक्शन टेलीविज़न के, के प्रोग्राम बने हैं थिएटर के प्रोग्राम बने हैं और संगीत पद नाटक भी लिखे गए हैं इस पर बेस्ड ऑन द डायरी यानी कि इस डायरी पर बेस्ड है डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑफ ए मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड और इसमें एक मेच्योर है ना जो एक परिपक्व जैसे अदलत होते हैं वैसे और एक इंसाइटफुल माइंड जो जो दिमाग सोच सकता है. है इसके बारे में पता चलता है कि वो कितनी मेच्योर थी और कितना कितना इंसाइटफुल कितनी अच्छे से सब कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करती थी द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन और इस डायरी से हमको ये पता चलता है कि जब नाजीज़ ने कब्जा कर लिया था तो यहूदियों की डेली लाइफ कैसे होती थी इस डायरी को पढ़ के महसूस किया जा सकता है एंड फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ़ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलो विक्टिम्स विक्टम्स विक्टिम होता है जब लार्ज स्केल पे जब यहूदियों का का विध्वंस किया गया उनको उनका द, को नुकसान पहुंचाया गया तो वो होलोकॉस्ट विक्टिम्स के नाम से जाना जाता है तो फ्रैंक एक बहुत रिनाउंड बहुत प्रसिद्ध इस बात के लिए जानी जाती है और डिस्कशन की होलोकॉस्ट विक्टिम्स पर यहूदियों के विध्वंस के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा डिस्कशन दिया इस बुक में नाउ कम टू द स्टोरी डायरेक्टली राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर सम वन me. में अब यहाँ पर एन फ्रैंक लिखती हैं कि एक डायरी लिखना उनके लिए बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है और ख़ास करके मेरे लिए नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटर्न एनी थिंग बिफोर सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कुछ कभी नहीं लिखा बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी द लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी्स विल भी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ थर्टीन ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल म्यूजिंग्स होते थॉट्स तो वो सोचती है कि डायरी लिखना उनके लिए बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है और इसलिए नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं लिखा नहीं है बस बल्कि इसलिए कि कुछ सालों बाद लेटर ऑन नीदर आए ना ही एन फ्रैंक और ना ही कोई और इस तेरह साल की स्कूल गोइंग लड़की के विचारों में इंटरेस्ट लेगा म्यूजिंग होते थॉट्स कि एक तेरह साल की लड़की क्या सोचती है इस ये कोई भी जानने में Uh, इसमें रुचि नहीं लेगा और उसको इंटरेस्ट uh, नहीं होगा ओह वेल इट डिज मैटर लेकिन ठीक है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आई फील लाइक राइटिंग मेरा मन कर रहा है कि लिखने का एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट तो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट कि जो भी दिल में गुब्बार भरा है वो मैं उसको निकालना चाहती हूँ तो इसलिए आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड और मुझे अपने दिल के गुब्बार के बाहर निकालने की आवश्यकता महसूस होती है इसलिए मैं लिखना चाहती हूँ अब वो और जाने की वो जब लिख रही थी वो तेरह साल की थी और उनको लग रहा था कि कुछ सालों बाद ना ही खुद वो और ना ही कोई और जना भी उनकी इस डायरी को पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा लेकिन उनको लग रहा था कि उनके दिल में जो गुब्बार भरा है वो बाहर निकालना चाहती हूँ तो इसलिए उन्होंने सबसे बेस्ट तरीका अपने दिल की बातें लिखने का डायरी को माना पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पेपल अब वो उन्होंने डायरी लिखना क्यों सोचा कि किसी से बात कर अपने दोस्त से भी बात कर सकती थी लेकिन उन्होंने पेपर किसी अपने दिल की बातें पेपर पे लिखना क्यों सोचा उसका रीज़न देखिए क्योंकि उनको लगता था पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पेपल लोगों की अपेक्षा में जो कागज़ है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है यानी कि आप कुछ भी लिखते रहिए उसमें कागज़ तो आपको कुछ नहीं कहेगा ना कि हम बोर हो रहे हैं या हमें नहीं सुनना लेकिन लोग ऐसे कहने लगते हैं तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल आई थॉट ऑफ दिस सेग ऑन वन ऑफ दोज डेज वेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेसड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स और उन्होंने सोचा कि जब वो बहुत डिप्रेस जिन दिनों हो रही थी और अपनी थोड़ी पे हाथ रख के ऐसे सोच रही थी घर पे बैठ के बोर एंड लिस्टलेस और बोर हो रही थी और लिस्टलेस बिल्कुल अनुत्साहित थी बिल्कुल भी उत्साह नहीं था वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट और सोच रही थी कि मैं घर में रुकूँ कि बाहर जाऊँ जब इस टाइप की सिचुएशन हो रही थी कि घर पे बैठ के थोड़ी पे रख के बैठ के सोच रही हूँ कि बोर हो रही है उत्साहित भी नहीं है बिल्कुल सोच रही कि घर में रुकूँ कि बाहर जाऊँ तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तब उन्होंने डायरी लिखने की सोची आई फाइनली स्टेड वेर आई वॉज और वो फाइनली घर पे ही रुकी ब्रूडिंग ब्रूडिंग होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज के बारे में सोचना ना उसको ब्रूडिंग कहते हैं येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस और उन्होंने सोचा और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रिफर टू एज ए डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबली वॉन्ट मेक अट ऑफ डिफरेंस और उन्होंने कहा इस इस सेंटेंस से हमको पता चलता है कि उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं थी रियल फ्रेंड जब तक नहीं मिल जाती उनको और तब तक उन्होंने प्लान किया कि वो अब इस, इस स्टिफ बैक्ड मतलब जो आ, किताब पे जो आ, दफ्ती का कवर चढ़ा होता है ना किताब मोटी सी बाइंडिंग होती है तो उस स्टिफ बैकड उसको का उस स्टिफ बैक नोटबुक को जिसको कि ग्रैंडली रिफर एज अ डायरी जिसको कि डायरी कहा जाता है और मैं तब तक लिखूंगी जब तक कि मुझे एक ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाती इट प्रॉब्ली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस और इससे कोई डिफरेंस भी नहीं होगा यानी कि अगर आप कोई बात किसी और को कह दे तो हो सकता हो कि आप कि वो बात फैला दे या फिर कुछ उसके रिपोक्शन uh, अच्छे ना हो लेकिन डायरी क्या कहेगी आपको जो कहना आप फ्री हो के उसमें लिख सकते हैं नाव आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोम्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव अ फ्रेंड और उन्होंने कहा कि अब मैं उस पॉइंट पर वापस आती हूँ कि जो मुझे प्रोम्ट करता है कि जो मुझे उत्तेजित करता है कि मुझे प्रोम्टी मतलब मुझे प्रेरित करता है टू तो कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस की पहली जगह पर मैं डायरी रखूँ आई डोंट हैव अ फ्रेंड क्योंकि मेरी कोई दोस्त नहीं है जनरली ऐसे होते हैं ना कि लोग अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं जब डिप्रेस हो रहे होते हैं लेकिन जो है उनकी कोई ट्रू फ्रेंड नहीं थी है ना फ्रेंड्स थी लेकिन ट्रू फ्रेंड नहीं थी जिसको वो सब कुछ कह सके तो उन्होंने डायरी को चुना उस फ्रेंड की जगह लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बी बिलीव दैट अ थर्टीन ईयर गोल्ड थर्टीन ईयर ओल्ड गर्ल इज़ कंप्लीटली अलोन इन दर्ल्ड और वो कहती हैं कि मैं आपको और क्लियर करूँ कि कोई भी कभी नहीं सोचेगा कि तेरह साल की लड़की पूरी दुनिया में अकेली है क्योंकि थर्टीन ईयर्स ओल्ड के बच्चे के फैमिली जन ज़्यादातर ऐसा होता है कि होती है एंड आई एम नॉट और कह रही हैं कि मेरी भी मेरे साथ भी ऐसा नहीं था आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड सिस्टर है ना जिसका भी बारे में पढ़ा था कि मार्गोत है ना तो अब मेरे बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं मेरी सोलह साल की बहन है एंड देयर आर अबाउट थर्टी पीपुल आई कैन कॉल फ्रेंड्स और लगभग तीस लोग ऐसे हैं जिनको मैं अपनी दोस्त कह सकती हूँ आई हैव अ फैमिली मेरे एक परिवार है लविंग आंट्स प्यारी प्यारी चाचियाँ ताई ये सब लोग हैं आंट्स बुआ एंड ए गुड होम और एक अच्छा पर, घर है नो ऑन द सर्फिस आईड सीम टू हैव एवरी थिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड तो तो अगर देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक ट्रू फ्रेंड के एक सच्ची दोस्त नहीं थी उनको उसकी कमी लगती थी ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम मैं सोचती हूँ कि जब कभी भी मैं अपने दोस्तों के संग होती हूँ तो मैं अच्छा समय पास होता है मेरा अच्छा समय बीतता है आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डेज थिंग और मैं आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग मैं घर की जितनी जितनी ऑर्डनरी बातें होती थी दिन प्रतिदिन की और एवरी डे की तो वो तो मैं अपने फ्रेंड्स के संग अच्छी तरह बात कर लेती थी वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज एंड वॉट इज द प्रॉब्लम बस लेकिन ऑर्डनरी बातें वो क्लोज अपने दोस्तों के संग कर सकती थी बहुत ही क्लोज कोई ख़ास बात उन्हें कहनी हो तो वो उन लोगों के संग नहीं कर पाती थी एंड दैट्स अ प्रॉब्लम और यही उनकी प्रॉब्लम थी मे बी इट्स माई फॉल्ट और हो सकता हो एंड फ्रेंक कहती हैं कि हो सकता हो कि वो मेरी गलती है दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच इधर कि हम लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं रखते कि कन्फाइड इच इधर होता है कि यहाँ पर लिखा भी है टू टेल पर्सन पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट है ना कि अपनी पर्सनल थिंग्स एक दूसरे को नहीं बता सकते थे जो भी दोस्त थे उनकी इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर और कहती फिर ऐसे ही चीज़ें थी एंड अनफॉर्चुनेटली देर आर नॉट लेबल टू चेंज और वो कहती हैं कि दुर्भाग्य की बात ये है कि इसमें कहीं से कोई चेंज होता भी नहीं दिख रहा था यानी कि उनको लग रहा था कि वो कभी भी ट्रू फ्रेंड नहीं बना पाएंगी दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टड अ डायरी और यही कारण है कि मैंने एक डायरी लिखने की सोची ठीक है देयर आर नॉट लाइबल टू चेंज ये बहुत अच्छी बात है मतलब इसका मतलब समझने का ये है कि उनको लगता था कि कभी नियर फ्यूचर में उनको ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कोई अच्छी दोस्त ट्रू फ्रेंड उनको मिलेगी तो उन्होंने लिखा कहा कि मैं इसीलिए मैंने डायरी लिखने की सोची टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन और इसी को बढ़ाते हुए कि बहुत दिनों से जिस फ्रेंड का वो इंतज़ार करें थी अपनी इमेजिनेशंस में अपनी कल्पनाओं में लॉन्ग अ वेटेड माने जिसके बहुत समय से इंतजार किया होगा है तो उसी को बढ़ाते हुए लिख रहे थे आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी जॉट डाउन होता है लिखना आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी मैं द वे मोस्ट पीपुल वुड डू और मैं उस तरह से जैसे कि और ज़्यादातर लोग लिखते हैं मैं उस तरह से डायरी को नहीं लिखना चाहती बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी और मैं चाहती हूँ कि यह डायरी मेरी फ्रेंड हो जाए और मैं इसको फ्रेंड किटी कह के पुकारूँगी यानी उनकी डायरी का नाम किटी था रखा उन्होंने सीधा नेक्स्ट पीज सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इंड प्लज राइट इंड का होता है कि एकदम से स्टार्ट कर दें है ना एकदम से कुछ स्टार्ट कर देना उसमें कूद पड़े है ना तो ये प्लान जीन का मतलब ये होता है तो वो कहती है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ कि एकदम से डायरी में किसी बारे एक बार लिखने लगती हूँ तो कोई कुछ एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा मेरी किटी की यानि कि यानि है यानी कि किटी में यानी किटिया वो अपनी डायरी को कहती थी मेरी डायरी में जो भी स्टोरीज है मैं अगर उसमें एकदम से कुछ लिखने लगूँ तो कोई भी कुछ नहीं समझ पाएगा आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो हालांकि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि लेकिन तब भी मुझे अपनी लाइफ का ब्रीफ बहुत शॉर्टली स्केच देना पड़ेगा यानी कि कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत संक्षेप में लिखना पड़ेगा ताकि लोग समझ पाए स्टोरी है ना एकदम से कुछ शुरू कर दो तो लोग नहीं समझ पाएंगे ना तो आगे पीछे का हिसाब भी तो कुछ पता तो चले कि क्या हो रहा है तो उन्होंने हालाँकि वो उसको कहती कि वो पसंद नहीं करती थी अपने लाइफ के बारे में ले ही लिखना चाहती थी मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो है ना कि मुझे ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा और वो अपने देखी फैमिली के बारे में क्या लिखती है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन मेरे प्यारे पापा मेरे पूजनीय पापा और कि मैंने कभी इतने अच्छे पापा नहीं देखे द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिट नाट डिट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज थर्टी सिक्स ने जब तक शादी नहीं की जब तक वो छत्तीस साल के नहीं हो गए एंड शी वॉज ट्वेंटी फाइव और मेरी मम्मी ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड थी ठीक है माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी मेरे सिस्टर जिसका कि नाम मार्गॉट है वो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में पैदा हुई थी आई वॉज बॉर्न ऑन ट्वेल्थ जून 1929 और मैं 12 जून नाइनटीन को पैदा हुई थी आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज फोर और मैं फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी में रही थी जब तक मैं चार साल की नहीं हो गई थी माई फादर एमीग्रेट टू हॉलैंड इन 1933 थर्टी थ्री एमीग्रेट होते जब कोई अपनी कंट्री छोड़ के परमानेंटली दूसरी कंट्री में सेटल uh, डाउन हो जाता है रहने चला जाता है परमानेंटली तो उसको एमीग्रेटिड कहते हैं और मेरे पिता जी जर्मनी से हॉलैंड १९३३ में चले गए थे माय मदर एडिट हॉलैंड ऑफ फ्रैंक और मेरी मम्मी उनका नाम था एडिट हॉलैंड ऑफ फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर और अब उनके पापा के संग सेप्टेम्बर में गई थी वाइल्ड मॉर्गेट एंड आई वॉज सेंट टू एच एन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर और जबकि मुझको और मेरी बहन को एच एन एक नामक जगह पे जर्मनी में एक जगह है एच के नाम से तो वहाँ पर दादी के संग रहने के लिए भेज दिया गया था यानी कि फा फादर चले गए फिर सितंबर में मम्मी भी चली गई और इन दोनों बहनों को दादी के पास जर्मनी में ही एच नामक जगह पर रहने के लिए भेज दिया गया था मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर और मार्गोट जो थी उनकी बड़ी बहन वो दिसंबर में हॉलैंड गई एंड आई फॉलोड इन फेबररी और फिर मैं फरवरी के महीने में गई वेन आई वॉज प्लंक् डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रजेंट फॉर मार्गोट और मैं मार्गेट uh, का बर्थडे प्रेजेंट जैसे किसी ने टेबल पर रख दिया हो तो ऐसे मैं पहुंच गई थी यानी कि वो पीछे से गई तो यानी कि ऐसे जैसे कि मार्गेट को बर्थडे प्रेजेंट दिया गया हो प्लंग डाउन होता है कि एकदम से किसी चीज़ में अचानक से किसी चीज़ को रख देना प्लंग डाउन देखिए यहाँ पर लिखा भी है पुट डाउन इन ए कैजुअल वे वैसे ही रख देना तो मैं एज ए बार्गेट की बर्थडे पर एकदम से पहुंच गई थी सॉरी I started right away at the Montessori nursery school. और वो कहती हैं कि मैंने वहाँ directly Montessori nursery school से start किया था। I stayed there until I was six. और मैं वहाँ पर जब तक मैं छह साल की हो गई थी, मैं मार रही थी। At which time I started in the first form. First form मतलब first class, class one. और at which time मैं मैंने class one से शुरू किया था वहाँ। In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus. और जब मैं क्लास सिक्स में थी तो मेरी टीचर जो थी उनका नाम मिसेस कूपरस था दैड मिस्ट्रेस जो हैड मिस्ट्रेस भी थी प्रिंसिपल भी थी एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी से दार्ड ब्रेकिंग फेयरवेल और जब साल ख़त्म हुआ तो हम दोनों की आंखों में यानी कि एन फ्रैंक की और इनकी जो टीचर थी मिसेस कूपरस उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो एक बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग दिल को तोड़ने वाली विदाई थी फेयरवेल थी इन द समर 1941 grandma fell ill and had to हैव एन ऑपरेशन सो my बर्थडे passed with little सेलिब्रेशन और उनकी गर्मी नाइनटीन जब गर्मियाँ चल रही थी नाइनटीन वन की तो उनकी दादी बीमार पड़ गई थी और उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी थी तो इसलिए एन फ्रैंक की बर्थडे जो थी बहुत ही थोड़ा बहुत लिटिल सेलिब्रेशन के संग पास हो गई कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं हुआ था ग्रैंड मार डाइड इन जनवरी 1942 और उनकी दादी की 1942 में डेथ हो गई थी नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ़ हर एंड स्टिल लव हर और एन फ्रैंक लिखती है कि कोई भी नहीं सोच सकता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ यानी कि अपनी दादी के बारे में कितना सोचती हूँ और मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 फोर्टी टू वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड द ग्रैंड मार्ज कैंडल वॉज इट लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट और ये सेलिब्रेशन जो था नाइनटीन फोर्टी टू की मेरी बर्थडे इसमें ग्रैंड माँ की तरफ से भी एक कैंडल जलाए गए थे है है ना जैसे उनका होता होगा कि हम लोग ऐसे बर्थडे कैंडल्स लगाते हैं तो वहाँ पर जो गैंडल्स लगी थी उसमें जो है एक दा, उनकी दादी की तरफ से भी एक कैंडल उसके वादे पे लगाई गई थी द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल और हम चारों अच्छा कर रहे थे एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ ट्वेंटी एथ जून नाइनटीन फोर्टी टू और एंड द सोलमन डेडिकेशन टू ऑफ माई डायरी और जिस दिन वो ये सब लिख रही हैं तो उस दिन बीस जून नाइनटीन फोर्टी टू की डेट है और ये सोलमन डेडिकेशन uh, मतलब कि एक महान समर्पण है मेरी डायरी के लिए वो कहती है अब ये देखिए वो 20 जून 1942 को डायरी में क्या लिखा उन्होंने डियरेस्ट किटी किटी वो अपनी डायरी को ओ, कहती थी उस दिन सैटरडे का दिन था 20 जून 1942 फोर्टी टू देखी डेट पड़ी हुई है hmm, और डियरेस्ट किटी मेरी प्यार, सबसे प्यारी किटी our entire class is quaking in its boots मतलब का मतलब है डर के मारे कांपना यहाँ पर लिख ली लिखा भी शेकिंग विध फियर एंड नर्वसनेस कि मेरे पूरा क्लास जो है डर के मारे काँप रहा है द रीजन और उसका कारण क्या है ऑफकोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी कैप्ट बैक फॉर्म मतलब यहाँ पर क्लास को बार बार कहा जा रहा है कि जो आने वाली मीटिंग जिसमें टीचर ये डिसाइड करेंगी कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रहेगा यानि कि उनका रिजल्ट आने वाला है क्लास का इसलिए सब बच्चे कांप रहे हैं हाफ द क्लास इज बेट्स और आधी ज़्यादा आधी से ज़्यादा आधी क्लास जो है आपस में शर्त लगा रही है ना जी एंड आई लव अवर सेल्व सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड सी एन एंड चैटस और उनकी दोस्त का नाम उन्होंने लिखा है जी और मैं जी और मैं हंस रहे हैं बहुत कस के पागलों की तरह आवर सिली मतलब बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं और क्यों क्योंकि टू बॉयज बिहाइंड अस कि हमारे उनके पीछे जो दो लोग दो लड़के बैठे हैं एक का नाम है सी और एक का नाम है जैकेस हु हैव स्टिक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देर ऑन देयर बेड स्टिक्ड होता है कि रिस्क पे लगा दे दें

इवन जीज प्लीडिंग glances एंड माई angry आउट cannot calm काम down. डाउन ठीक है और वो लड़के सारा सुबह से रात तक यही बातें करते रहते हैं कि तुम पास होने वाले हो और दूसरा कहता है कि मैं पास नहीं होने वाला हूँ तो ये यही बात है और उस पर उन लोग लड़कों ने पूरी छुट्टियों में जितने भी पैसे सेव किए थे वो सब शर्त पर लगा डाले हैं कि कौन पास होने वाला है कौन नहीं वाला है और देखिए फिर इवन जीज जी अपनी वो फ्रेंड को कह रही है ऊपर जी लिखा है और यहाँ पर जी लिखा है ना तो इवन जीज प्लीडिंग प्लीडिंग होता है रिक्वेस्ट करना ग्लैंसेज बहुत रिक्वेस्ट भरी नज़रों से उनसे कह रही है एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट और मेरी गुस्से भरी है ना गुस्से से भरी नज़र भी और उसकी रिक्वेस्ट भरी नज़र भी उन लड़कों को शांत नहीं कर पा रही कैनॉट कम देम डाउन देम मतलब यहाँ पर बॉयज के लिए आया है इफ़ यू आस्क मी और एंड फ्रैंक कहती हैं अगर कोई मुझसे पूछे अगर आप मुझसे पूछे देर आर सो मेनी डमीज डेट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप बैक और वो कहते हैं कोई हमसे पूछे तो हमारे क्लास में बहुत सारे डमीज़ हैं डमीज़ मतलब कि जो वीक बच्चे हैं यहाँ पर हम मूर्ख तो नहीं कहेंगे लेकिन जो बहुत वीक हैं और अबाउट ए क्वाटर चौथाई बच्चे क्लास के जो कि क्लास में रह जाने चाहिए थे यानी कि उनको पास होकर अगली क्लास में नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो सब डमीज़ थे आनफ्रैन के हिसाब से बट टीचर साज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ सुन रहे हैं टीचर्स को टीचर को क्या कह रही है और लेकिन वो कहते हैं कि टीचर्स जो है पूरी पृथ्वी पे सबसे अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर हैं कि वो आप सोच नहीं सकते कि वो अगले पल क्या करने वाले हैं टीचर्स के लिए कह रही हैं हम्म आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ और एंड फ्रैंक कहती हैं कि मेरी जितनी भी सहेलियां हैं और मैं खुद के लिए चिंतित नहीं हूँ वी विल मेक इट हम लोग कर लेंगे द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स सिर्फ मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि है ना कि वो यानी कि उनको लग रहा था कि वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा कर लेंगी लेकिन मैथ्स में उनको थोड़ा सा डाउट था अपने बारे में एनी वे ऑल वी कैन टू इज वेट और हम क्या कर सकते हैं सिवाय वेट करने के ना कि जब टीचर आएगा रिजल्ट पता है बताएंगी तभी पता चलेगा ना तो उसे वेट कर सकते हैं अनटिल देन और तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट और तब तक हम लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि भैया धैर्य मत खो धैर्य मत खो है न जो होगा ठीक होगा नॉट टू लूज हार्ट आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स और उन्होंने कहा कि मेरी जो है सब टीचर्स के संग अच्छी बनती थी आई गेट ऑलॉंग पिटी वेल होते है कि अच्छी बनती थी सब टीचर्स के संग देर आर नाइन ऑफ देम और उसमें नाइन नौ उनकी टीचर्स थे सेवन मैन एंड टू वमेन सात उसमें से आदमी टीचर्स थे उनके और दो लेडीज टीचर थे मिस्टर की सिंह द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स और मिस्टर की सिंह नाम के जो उनके मैथ्स के टीचर्स थे वो तो उनको ओल्ड फॉगी कह रहे हैं ना मतलब ओल्ड फॉगी का मतलब है ओल्ड फैशन मैन है ना ओल्ड फैशन पर्सन होता है जो नॉट uh, फैशनेबल तो वो उ, उसको ओल्ड फॉगी कह रही है कि मिस्टर की सिंह एक ओल्ड फैशन पर्सन है और उनको मैथ्स पढ़ाते हैं वो अनॉयड विद मी फॉर एजेस और वो मुझसे कई समय से फॉर एजेस मतलब बहुत समय से गुस्सा थे बिकॉज आई टॉक सो मच क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क और उन्होंने मुझे बहुत सारी वार्निंग्स दी चेतावनी दी और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी असाइन किया मुझे करने के लिए दिया और वो क्या था एन आई सी ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स और एक सब्जेक्ट पे वो सब्जेक्ट का नाम था अ चैटर बॉक्स इस पर मुझे ऐसे लिखने को दिया चैटर बॉक्स होता है बच्चों कि तो जो बहुत क्लास में बच्चा बोलते है ना तो कभी कभी टीचर्स कहते हैं ओह गॉड चैटर बॉक्स यू आर अ चैटर बॉक्स है oh ना तो बहुत जो टॉकेटिव होते हैं ना उसको कहते चैटर बॉक्स अ चैटर बॉक्स वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट और वो सोचती हैं चैटर बॉक्स अरे भाई इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं ज़्यादा आई आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर और मैं और उन्होंने कहा अरे भैया बाद में सोचेंगे इसके बारे में आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर भैया बाद में सोचेंगे इसके बारे में क्या लिखे चैटर बॉक्स फिर आई डिसाइडेड आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोट बुक और मैंने जॉटड डाउन मैंने लिखना होता है और मैंने अपनी नोट बुक पर टाइटल लिख लिया कि जिसके पर उनको ऐसे लिख के जमा करना था टर्क डिट इन माई बैग डक दिन मतलब रख लिया डाल लिया और वो नोटबुक उन्होंने अपने बैग में डाल ली एंड ट्राई टू कीप क्वाइट और कोशिश करने लगी कि वो शांत बैठे क्योंकि उनको ज़्यादा बोलने की वजह से एक्स्ट्रा होमवर्क मिला था चैप्टर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसड कॉट माई आई और शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया तो वो नोट जो हमने नोटबुक में लिखा था कि भैया ऐसे लिखना है कॉट माई आई उस पर मेरी नजर गई उस पर मेरा ध्यान गया आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाई चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन और मैं उस सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट क्या था चैटर बॉक्स है ना कि उसके बारे में अपने पेन की टिप जो होती है नोक है वो अपना फाउंटेन पेन की वो अपने मुंह में लेके चबाती गई और सोच रही थी कि क्या लिखूँ इस पर कभी कभी देखा है ना कुछ कोई सोचते हैं तो हाथ में जो पेंसिल पेन मुंह में लोग मुंह में डाल लेते उसको बिल्कुल वैसे ही वो कर रही थी ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स रैम्बल ऑन बच्चों होता है कि बिल्कुल बेकार की वे सिर पैर की बातें लिखना उसको रैम्बल कहते हैं यहाँ पर लिखा भी देखिए टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग है ना लंबा चौड़ा बेकार की बातें इधर उधर लिख दो तो वो रैम्बल ऑन कहा जाता है उसको एंड इवन कुड कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स की कुछ भी कोई भी बेश की बातें लिख सकता था और बीच में जो राइटिंग दूर दूर करके है ना बिग स्पेसिस छोड़ के ताकि खूब सारे पेजेस भर जाएँ ना बच्चे ऐसे करते हैं ना कि हमें देखे कितना सारा कितने सारे पेज भर के लिखा है है ना लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव दैट नैसे लेकिन वो सोच रही थी कि कुछ ऐसा कन्वेंसिंग लिखूँ कि जिससे टीचर कन्वेंस हो जाए और वो समझ सके कि बातें करना कितना ज़रूरी है, है नो बे सिर पैर की बातें नहीं लिखना चाहती थी और सोच रही थी ऐसा कुछ लिखूँ विद लॉजिकल जिसका रीजन हो और टीचर कन्वेंस हो, हो सके है ना उनसे सहमत हो सके थे कि मतलब कितनी इंटेलिजेंट थी आई था एंड थाट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया मैंने सोचा और सोचा अचानक और से मेरे एक आइडिया आया आई रोड द थ्री पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड और मैंने तीन पेज लिखा मिस्टर 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 की सिंह ने जो उनको चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए कहा था उसमें तीन पेज भर के लिखे और मैं संतुष्ट थी आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट स्ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल और उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया दिया अपने ऐसे में बातें करना जो है स्टूडेंट्स की क्वालिटी है ट्रेट इज क्वालिटी सुन रहे हैं मेरी क्लास में नहीं होना चाहिए आई आग दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट स्ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल और जिसको कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कंट्रोल करने की ठीक है स्टूडेंट स्ट्रेट बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑल द हैबिट ऑफ़ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर और देखिए रीज़न क्या देख रही हैं कि मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी तो उसका आगे सुनिए बहुत बढ़िया लिखा है कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट मैं पूरी तरह अपने आप को क्योर नहीं कर पाऊँगी लेकिन यानी कि पूरी तरह क्लास में बात ना करूँ चुप्पे ही बैठी रहूँ ऐसा नहीं कर पाऊँगी क्यों क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझसे ज़्यादा नहीं तो मेरे इतना ही बोलती हैं एंड एंड देट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स और इसको उन्होंने इनहेरिटेड ट्रेड्स की वजह से कहा यानी कि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं जो गुण माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं और उन्होंने कहा कि ये मुझे इनहेरिटेड ट्रेड है मेरा यानी कि मैंने अपनी मम्मी से मिली मुझको जन्म से मिला है और मैं इसमें बहुत तो कंट्रोल ले कर पाऊँगी लेकिन तो कोशिश करूँगी और ये मुझे तो मम्मी से मिला है और इसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता है ना ये रीज़न थी हाउ स्मार्ट चीज है ना मिस्टर अ गुड लाफ एट माय आर्गुमेंट और मिस्टर मिस को बहुत हंसी आ गई उनके उन इस आर्गुमेंट जो उसने उन्होंने लॉजिक दिया लॉजिक ही ऐसा था बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू लॉक टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही अड मी अ सेकेंड ऐसे और When I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. और वो और फिर मैं I proceeded to talk my way और मैं अपने बातें करती रही और next lesson तक और फिर उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे दे दिया ले वो बताओ आप क्या करेंगे दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरेजिबल चैटर बॉक्स इनकोजिबल होते हैं कि जिसमें कुछ सुधार ना किया जा सके जिसमें को ठीक ना किया जा सके और इस बार ऐसे का नाम था अन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स देखिए यहाँ पर इनकोरेजिबल का मतलब ये समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड है ना यूजली अ बैड क्वालिटी है ना ऐसी क्वालिटी जिसमें सुधार होना चाहिए लेकिन जिसको ठीक ना किया जा सकता हो तो उसको इनकोरेजिबल कहते हैं तो इस बार चैटर बॉक्स से आगे ये जुड़ गया था एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स आई हैंड इट इन एंड मै एंड मिस्टर की सिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल क्लासेस और मिस्टर कीसिंह ने दो अगले क्लास तक कोई भी कंप्लेन नहीं की हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ और यानी कि उन्होंने इनकोरेजिबल चैटर बॉक्स पर लिखा था एंड आई हैंडेड इड इन मैंने मतलब वो लिख के जमा कर दिया था और मिस्टर की सिंह ने दो नेक्स्ट अगले क्लास तक कुछ भी नहीं कहा और जब थर्ड लेसन में उन्होंने फाइनली एक और उनको ऐसे दिया एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट इन सेड सेड चैटर मिस मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ठीक है तो उन्होंने दो लेसन तब तो कुछ नहीं कहा और फिर उन्होंने थर्ड उसको असाइनमेंट दिया और उस टॉपिक का नाम था क्वैक 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 सेट मिस्टर चैप्टर मिस्टर मिस चैटरबॉक्स ने बोला क्वैक 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 होता है बत्तखों की उसको कहते हैं जो बत्तख की साउंड होती है ना उसको क्वैक क्वैक कहते हैं और देखिए यहाँ पर ये क्लास से बच्चे हंस रहे हैं और यहाँ मिस्टर की सिंह उनको होमवर्क पे होमवर्क दिए जा रहे हैं ठीक है ना द क्लास रोड क्लास को जो है बहुत कस के हंसी आ गई आई हैड टू लाफ टू और मुझको भी हंसना पड़ा आई टू हाइट टू का जब लगता है तो मतलब जबरदस्ती आ जाती है उसमें आई और मुझको भी हंसना पड़ा दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इन्जेनटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सिस अब इन जेन्यूटी होता है कि ओरिजिनल जो थाट्स आ रहे हैं भैया जितना आता था चैटर बॉक्स के बारे में वो सब पहले ही लिख चुके थे दो दो ऐसे में अब और क्या लिखेंगे ये सोच के वो परेशान हो रही थी कि अब तीसरा भी मिल गया तो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्योटी ऑफ द टॉपिक ऑफ चैप्टर बॉक्सिस कि भैया कुछ ओरिजिनल बचा नहीं था औरिजिनल थाट्स क्या लिखूँगी इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स और यह समय था कि कुछ और लिखना समथिंग एल्स कुछ और लिखूँ उसमें समथिंग ओरिजिनल कुछ औरिजिनल है ना ये नहीं कि वही पुरानी पुरानी बातें फिर से लिख दी कुछ औरिजिनल लिखना चाहती थी वो माई फ्रेंड सैन हु इज़ अ गुड एट पोएट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द एस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ट फॉर जॉय और मेरी दोस्त सैन ने जो कि बहुत पोइट्री में कविता लिखने में बहुत अच्छी थी उसने मुझे अपनी हेल्प उफ, ऑफर की कि वो ऐसे में शुरू से लेकर अंत तक उसको वर्स में लिखेगी मतलब वर्स मतलब राइमिंग स्कीम एक पोइट्री वाली लैंग्वेज में जिसको गा के पढ़ा जा सके ऐसे लिखेगी लिखने में उसकी मदद करेगी और मैं खुशी से कूद पढ़ी मिस्टर की सिंह वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जो इकॉन्मी विद दिस रेजिकुलर सब्जेक्ट और मिस्टर की सिंह जो है कोशिश कर रहे थे उसको लगा कि कि इस रिडिकुलस सब्जेक्ट रिडिकुलस सब्जेक्ट इसको सुन के हंसी आ जाए है ना इस सब्जेक्ट पे को लेकर मेरा जोक बनाने की क्लास में कोशिश कर रहे थे बट आई वुड मेक श्योर द जोक ऑन हिम लेकिन एंड फ्रैंक ने सोचा कि मैं उनका जोक बनाऊंगी है ना गलत सोचा टीचर्स के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए आई फिनिश्ड माई पोम और उन्होंने जो है मैंने अब मैंने अपनी पोएम जो थी वो लिख ली एंड इट वाज ब्यूटीफुल और ये बहुत अच्छी थी इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वन विद थ्री बेबी डकलिंग्स हु वर बिटिन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वेक टू मच और ये पोएम जो थी एक मम्मी डक एक पापा डक और उनकी तीन बेबी डकलिंग्स है ना बच्चकों के बच्चों को डकलिंग्स कहते हैं उनके बारे में थी और जो कि उस बच्चों को उनके पिताजी ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 कर रहे थे जब बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे इसका मतलब लकली मिस्टर किसिंग टूक द जोक द राइट वे और थैंक गॉड वो कहती है कि लकली सौभाग्यवश मिस्टर केसिंग ने जोक को सही अंदाज में लिया ही रेड द पोम टू द क्लास और उन्होंने वो जो कविता थी उन्होंने क्लास में पढ़ी एडिंग हिज ओन कमेंट्स और उस कविता में अपने कमेंट्स भी जोड़े वो उसके बारे में वो जो कहना चाहते थे एंड टू सेवरल अदर क्लासेज और ये पोएम उन्होंने बहुत सारी दूसरे क्लासेज में भी पढ़ी सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड आई और तब से उनको क्लास में बोलने के लिए अलाउ कर दिया गया कि भैया चलो बोलो एंड एवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क और कभी भी उनको उसके बाद उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया ऑन द कॉन्ट्ररी बल्कि इस बजाय इसके उसके ऑन द कॉन्ट्रोरी मतलब जैसा होना चाहिए था उसके अगेंस्ट हैं बिल्कुल उल्टा उसके मिस्टर की ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डिज और मिस्टर की जो थे वो स्वयं कुछ जोक बनाने लग गए थे यानी कि उनकी इस घटना से वो खुद भी उनमें काफ़ी परिवर्तन हुआ था मिस्टर की में और वो अब तो वो खुद भी क्लास में जोक मारने लग गए थे या उस और जो है उन्होंने ये लेटर लिख रही है ना वो किटी में अपना कि अपनी डायरी में तो उन्होंने लास्ट में अपना नाम मेंशन किया हुआ है और ये किताब जो है द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश हुई थी ठीक है और उसी में से उसका एक्सट्रैक्ट है जो उनके फादर ने चाप, चापा वाई थी उनकी डेथ के बाद सो दिस इज अबाउट एंक फ्रांक शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड गो थ्रू विद दिस लेसन चिल्ड्रेन वर्क हार्ड एंड आई हैवूडेड क्वेश्चन ऑफ द लेसन ऑन द सेम चैनल And I have given uh, the, uh, all the lessons uh, uh, link on the description box itself. And now you can check all the lessons from there too. Thank you. Thank you so much.